आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। यंग इंडिया मामले में आयकर अभिकरण से गांधी परिवार को राहत नहीं। एजेएल की अचल संपत्तियों की खरीद में टैक्स न देने से जुड़ा है मामला। कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम, रोज महंगाई बम फोड़ रही है सरकार। समाजवादी ने साधा बीजेपी पर निशाना। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस बोली, भारत के साथ संबंध मजबूत करना पहले से ज्यादा जरूरी। नेताओं से की मुलाकात। भ्रामक विज्ञापनों पर केंद्र सरकार का सख्त रुख। 3 कंपनियों पर जुर्माना और 13 ने विज्ञापन लिया वापस। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, असम, नागालैंड और मणिपुर में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र की संख्या कम करेगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया नितिन गडकरी का आभार। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव होगा कम। बल्लूपुर पावंटा सहित रोड 2024 तक होगी फोरलेन। महाराष्ट्र में सभी कोरोना प्रतिबंध हटाए गए, मास्क को लेकर भी किया गया बड़ा फैसला। कब्जा पत्र जारी होने तक नगर निगम को भरना होगा जुर्माना। खोरी गांव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। स्वर्णिम चतुर्भुज पर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की तैयारी। 30,000 रुपए तक की मिलेगी मुफ्त सहायता। AFSPA पर केंद्र के फैसले का असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने किया स्वागत। जल्द होगा लागू। सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया मनरेगा का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 250 रुपए का हुआ इजाफा, 2 महीने में 346 रुपए की बढ़ोतरी। अवैध निर्माण पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, लखनऊ से शामली तक चले बुलडोजर। देश के लिए खतरा है जाकिर नाइक का संगठन। गृह मंत्रालय ने मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में 5 साल का लगाया बैन। अलीगढ़ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के परिजन की दबंगई, दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। अलीगढ़ के एएमयू में वाइस 5 सुरक्षाकर्मी हुए निलंबित, तो वाइस चांसलर के आवास पर लिखे आपत्तिजनक स्लोगन, 3 छात्रों को दिया गया नोटिस। बिजनौर में साप्ताहिक परेड का हुआ आयोजन, पुलिस अधीक्षक ने परेड की ली सलामी। देवरिया में 700 साल पुराना मंदिर है देवरही मंदिर, श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है मंदिर।
फिरोजाबाद में अहीर रेजिमेंट बनाने की छात्रों ने उठाई मांग, खून से खत लिखकर छात्रों ने की मांग। गाजीपुर में किसानों के गेहूं की होगी खरीदारी, क्रय के माध्यम से होगी खरीदारी। रायबरेली में एक सड़क हादसे के दौरान बाल बाल बचा, हाई कोर्ट जज का परिवार। टायर फटने से ई रिक्शा से टकराई गाड़ी। सपा नेता मनोरंजन यादव समेत तीन आरोपितों पर इनाम बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों को भारत सरकार का तोहफा, बिजली व्यवस्था बेहतर करने के लिए 4,165 करोड़ रुपए की स्वीकृति। आसमान में धुंध का माया जाल, जमीन पर गर्मी का सितम। मल्टीलेवल पार्किंग में 500 रुपए में कार, 200 में पूरे महीने खड़ा करे बाइक। यूपी में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरा, कहा अपनी तिजोरी भरने पर लगी डबल इंजन की सरकार। मेरठ में बाजारों में शाम 6 बजे के बाद चलाते थे नकली नोट, लालच में जुड़े कई लोग। जलकल महाप्रबंधक के आवास पर सीबीआई की छापेमारी, आधी रात तक साक्ष्य जुटाती रही थी। राजस्थान की डॉक्टर अर्चना को इंसाफ दिलाने के लिए लखनऊ में चिकित्सकों का विरोध मार्च, बोला पुलिस पर कार्रवाई हो। मिर्जापुर के जंगलों में लगी आग को काफी हद तक बुझाने में वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी। तेज धूप और गर्मी में चैत में कराया जेठ का एहसास, कुशीनगर में 39 डिग्री तक पहुंचा तापमान। सीएसजीएम यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे 8वीं और 10वीं पास छात्र, नए सत्र से शुरू होंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स। के मास्टरमाइंड ने कोर्ट में किया सरेंडर, हाथ मलती रह गई पुलिस। सिख विरोधी दंगे में दबौली हत्याकांडों की जांच को पंजाब सरकार हुई रवाना हुई दूसरी टीम, पहली कानपुर में जांच कर लौटी। सुल्तानपुर में पुलिस अधिकारी के कमरे में लटका मिला मेडिकल छात्रा का शव, कुछ दिन पहले पत्नी से हुई थी झड़प। चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, गिरोह के अन्य सदस्यों की पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर में निर्मल गंगा के लिए यूपी की 61 नदियों का होगा कायाकल्प, जल्द बनेगा रिवर मैप। रिश्वत लेते चौकी प्रभारी गिरफ्तार, रुपए गिनने का वीडियो वायरल होने पर दरोगा समेत 4 निलंबित। रेलवे की कार्रवाई से बेघर हुए लोगों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, प्रदर्शन के दौरान रो पड़ी महिला।
पर युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देगी योगी सरकार। एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार ने लंबित ड्यूटी में लापरवाही और अपराध नियंत्रण में विफलता पर कार्रवाई। यूपीएमएलसी चुनाव में भाजपा ने जीती सभी 36 सीटें। सीएम योगी ने जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का बढ़ाया उत्साह। अब बदल जाएंगे 10 बड़े नियम। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी खत्म और दवाओं पर बढ़ेगा खर्च। अखिलेश यादव सदन में उठाएंगे अयोध्या में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना। बोले भाजपा राज में यूपी की हुई बहुत बदनामी। उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी से धरती प्यासी। देहरादून में 38 साल बाद बिना बारिश के गुजर रहा मार्च। चारधाम यात्रा पर जाने वालों के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी। सीएम धामी ने की चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। बाईस मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम अगले सप्ताह शुरू। उत्तराखंड में महंगी हुई बिजली। 2.68% बढ़े दाम। उत्तराखंड में विद्युत नियामक उद्योग ने बिजली की नई दरी की जारी। उत्तराखंड में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई खत्म। 1 अप्रैल से केवल ऑफलाइन चलेगी कक्षा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। योजना के तहत 4,057 बच्चों को मिल चुका लाभ। एनएचएआई अधिकारी के घर और दफ्तर में सीबीआई का छापा। 2017 में खुला था घोटाला। केदारनाथ के लिए जल्द शुरू होगी हेली सेवा की बुकिंग। इस बार भी नहीं बढ़ेगा किराया। करोड़ों खर्च के बाद भी अधर में लोनीवी की 30 सड़कें। विधानसभा के पटल पर आए राज्य के वित्त लेखों से हुआ खुलासा। अधिकारियों की एसीआर लिखने के अधिकार पर मंत्रियों के एक सुर। मुख्यमंत्री धामी के फैसले पर सभी की निगाहें। परिवहन निगम का आदेश। कर्मचारी संगठनों और निगम के बीच टकराव। कब्जे से तत्काल मुक्त होंगे कक्ष। सचिव की पत्नी से विवाद पर महिला चिकित्सक का स्थानांतरण। चिकित्सक ने दिया इस्तीफा। अस्पताल ने शासन तक हड़कंप। नवरात्र के लिए सजे बाजार। उमड़ रहे खरीदार। दुकानदारों के चेहरे पर लौटी रौनक। कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश में बनाएगी 10 लाख नए सदस्य। पार्टी ने अभियान के प्रभारियों को दिए नए निर्देश। उत्तराखंड में हलकतर करना भी महंगा। हर महीने 15 से 20 रुपए बढ़कर आएगा पानी का बिल। इमरान ने किया धमकी भरे पत्र का जिक्र। कहा मुझे हटाने के पीछे एक विदेशी मुल्क अमेरिका ने खारिज किए आरोप।
श्रीलंका में बढ़ा बिजली संकट, स्ट्रीट लाइट भी बंद कराई गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 6000 घन टन डीजल जहाज से भेजा। अब डोनेस्क में होगा टकराव। मारीपोल के एक हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा। जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से मांगी मदद। रूस ने दी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता। दुनिया के अन्य देशों से की अपील। चीनी सेना बोली लद्दाख गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत के साथ सकारात्मक रहे 15वें दौर की बातचीत। यूक्रेन का दावा, रूस ने तोड़ा संघर्ष विराम का वादा। अमेरिका ने रूसी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर लगाए नए प्रतिबंध। कंगाली की राह पर श्रीलंका। महंगाई ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। पेट्रोल से महंगा मिल रहा दूध। लाइनों में लगकर मर रहे लोग। पुतिन का अमेरिका को बड़ा झटका। डॉलर में गैस व्यापार पर रोक। कई देशों को रूबल में करना होगा पेमेंट। श्रीलंका में राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। फूकी गई सेना की बसें। कोलंबो में कई जगह पर कर्फ्यू। अमेरिका ने दी चेतावनी। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में गतिरोध पैदा करने वाले देशों को भुगतने पड़ेंगे अंजाम। लघु बचत योजनाओं पर पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों में बदलाव नहीं। पीपीएफ पर मिलेगा 7.1% ब्याज। इस साल 7वीं बार बढ़े जेट फ्यूल के दाम। 2% के इजाफे के बाद नए रिकॉर्ड पर पहुंची कीमत। महंगा होगा हवाई सफर। तेल कंपनियों की 2% की बढ़ोतरी के साथ हवाई ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड लेवल पर। सोना आज फिर फिसला। चांदी के दाम में 0.27% की कमी आई। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। अप्रैल के वेतन के साथ मिलेगा एरियल। होम लोन पर अतिरिक्त छूट खत्म। पीएम, जमा रकम पर लगेगा टैक्स। नए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले कारोबारी दिन मामूली गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा। 10 दिनों में 6.40 रुपए महंगा हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्य आपूर्ति बाधित। पंजाब को हो सकता है बड़ा मुनाफा। मेसी प्रमोट करेंगे क्रिप्टो टोकन। $2 करोड़ का करार किया। जीत के बाद क्विंटन डिकॉक ने की टीम की तारीफ। कहा, इस तरह के मैच टीम का मनोबल बढ़ाते हैं। लखनऊ की जीत के बाद अंक तालिका में हुआ बदलाव। टॉप पर है विस्फोटक कप्तान की टीम राजस्थान रॉयल्स।
आरसीबी के वानिंदू हसरंगा का है पर्पल कैप का कब्जा, एक ही मैच के लिए थे 4 विकेट। फिट हो गया मुंबई का तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले टीम से जुड़ा। एमसीजी के मैदान पर वॉर्न के बच्चों द्वारा हुआ शेन वॉर्न स्टैंड का अनावरण। आईपीएल के एक सीजन में पहली बार सीएसके को लगातार पहले 2 मैचों में मिली हार। ड्वेन ब्रावो ने रचा इतिहास, लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। लखनऊ ने दर्ज की पहली जीत, चेन्नई की लगातार दूसरी हार, लुइस ने सीजन का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा कीर्तिमान, T20 में विराट कोहली और रोहित शर्मा के खास क्लब में हुए शामिल। इमाम उल हक और कप्तान बाबर आजम ने एक ही मैच में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया पर दर्ज की सबसे बड़ी जीत। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी अनुपमा की 17 साल पुरानी अनसुनी कहानी, रूपाली गांगुली ने दी प्रीक्वल की जानकारी। रवि तेजा के साथ तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन, द कश्मीर फाइल्स से है खास कनेक्शन। ऋषि कपूर के हिट गाने ओम शांति ओम, पत्थर के रणबीर कपूर, आमिर खान, करीना कपूर, आलिया भट्ट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश में की गंगा आरती, मां गंगा के पावन तट पर बिताए पल। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू संग डांस करती नजर आई मलाइका अरोड़ा, छैया छैया पर लगाई जबरदस्त ठुमके। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की बड़ी मुश्किलें, महिला डांसर के उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दायर। आर्यन खान ड्रग्स मामले में कोर्ट ने एनसीबी को दी राहत, 60 दिनों में कर सकेंगे चार्जशीट दायर। सारा अली खान, विक्रांत मैसी ने किए द्वारकाधीश के दर्शन, गुजरात में कर रहे हैं गैस लाइट की शूटिंग। जॉन अब्राहम ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर किया अटैक, बोले हिंदी फिल्म का हीरो हूं और रीजनल मूवीज नहीं करूंगा। कैटरीना कैफ को मिला ब्यूटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब, एक्ट्रेस ने जाहिर की खुशी। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।